हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर पूजा व्यास आज आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूं, वही हमारा टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। ठीक है, हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे कल, हम लोगों ने डिस्कस किया वाटर पोटेंशियल क्या होता है, सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होता है और प्रेशर पोटेंशियल क्या है, ओपी क्या होता है, टीपी क्या है, डब्ल्यूपी क्या है, डीपीडी क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने कल डिस्कस की थी। इसी चीज को आगे हम लोग कंटिन्यू आज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, हम लोगों ने जो कल पढ़ा उसका एक रिव्यू ले लेते हैं कि हम लोगों ने कल क्या क्या देखा। देखिए, आपको पता है कि अगर हम एक सिस्टम की बात करें, वो सिस्टम से रिलेटेड, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो सेल ही है वो सिस्टम जिसके अंदर हम ये बोले लिविंग एनवायरमेंट है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूं। मैं जब वाटर पोटेंशियल आपको समझा रही हूं तो मैं उसमें बोल रही हूं कि एक सिस्टम लिया, मान लीजिए एक बीकर ही लिया है ना, हमने दो बीकर ले लिए, मान लीजिए हमने दो बीकर लिए और दोनों बीकर के बीच में हमने एक पोर, हमने हम बोलते हैं कि एक छेद जो है वो कर दिया, एक पोर बना दिया। ये बीकर है जिसको हमने बोला ए और ये बीकर है बी। ए बीकर के अंदर हमने बोला कि वाटर जो है उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है और वाटर की कंसंट्रेशन जहां ज्यादा होगी वहां उसकी फ्री एनर्जी जो है वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हम ये बोल रहे हैं कि ये ए जो बीकर है इसमें हम ये बोल रहे हैं कि फ्री एनर्जी जो है वो भी क्या है, ज्यादा है। ठीक है, इसी के साथ में हम ये बोल रहे हैं कि वाटर कंटेंट जो है यानी उसकी कंसंट्रेशन जो है वो भी क्या है, ज्यादा है, किसमें, ए बीकर के अंदर। और जहां वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वहीं पे हम ये बोलेंगे वाटर पोटेंशियल जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। रीजन, क्योंकि उसकी फ्री एनर्जी वहीं पे क्या है, ज्यादा है। ठीक है, फिर हमने बोला दूसरा सिस्टम जो है बी, वहां पे हमने बोला वाटर मॉलिक्यूल बिल्कुल यहां पर भी प्रेजेंट है। ठीक है, बट यहां पे वाटर जो है वो क्या है, उसकी कंसंट्रेशन कम है यानी उसकी फ्री एनर्जी भी कम है। और हम ये बोल रहे हैं कि वाटर पोटेंशियल जो है, क्योंकि फ्री एनर्जी कम है तो वो उसका पोटेंशियल जो है वो भी क्या है, यहां पर बी बीकर के अंदर क्या है, कम है। ठीक है, इन दोनों की वजह से जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे प्रेशर ग्रेड, सॉरी इसको हम बोलेंगे ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोलेंगे, क्योंकि दोनों बीकर के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन के बीच में एक डिफरेंस है। ठीक है, इधर ज्यादा है इधर कम है। अब कितना ज्यादा है कितना कम है हम उस बारे में बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम ये कह रहे हैं ए के अंदर बी की कंपेरिजन में ज्यादा है, यानी बी के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं केवल बी बीकर के। ठीक है, तो बी से ज्यादा है ए में, तो हमेशा वाटर मोलिक्यूल जो है वो किधर मूव करेंगे, अभी ए से बी की तरफ मूव करेंगे, यानी डिफ्यूजन हो रहा है, वाटर जो है वो मूव कर रहे हैं ए से बी की तरफ। तो यहां पे अगर फंडा हम लोग देखें, ये मूवमेंट जो हो रहा है उसके लिए हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि वाटर का मूवमेंट अपनी मैक्सिमम फ्री एनर्जी से लो, हम ये बोल रहे हैं कि लो एनर्जी की तरफ होता है, या फिर आप बोल सकते हो कि वाटर का मूवमेंट अपनी हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। आप ये भी बोल सकते हो कि वाटर का मूवमेंट अपने हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ होता है। ठीक है, इस चीज को आप समझ सकते हैं इस तरीके से। अब मैं एक सिस्टम की बात कर रही हूं, मान लीजिए मैं ए की ही बात कर रही हूं, मैं यहां से बोल देती हूँ कि बी की तरफ आप ध्यान ही ना देंगे, बी जो है उसकी तरफ आप गौर नहीं फरमाएंगे, इसको आप नहीं देखेंगे, हम ए के बारे में बात कर रहे हैं। और हमने बोला ये है प्योर वाटर, इसके अंदर सॉल्यूट नहीं है। अगर प्योर वाटर है यानी कि पूरी तरीके से क्या है, हम ये बोल रहे हैं इसमें सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल है, यानी वाटर की ही उसमें क्या है, फ्री एनर्जी है। अब कंडीशन देखिए, एक फॉर्मूला आप लोगों ने कल डिस्कस किया था, साई डब्ल्यू इक्वल्स टू साई एस प्लस साई पी। पी क्या होता है, सबसे पहले तो इसको देखिए, इसको हम बोलते हैं प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल का मतलब ये हो गया कोई भी एटमोस्फेरिक प्रेशर जो उसके बारे में बात करें, नॉर्मली हम इसको नेग्लिजिबल ही लेते हैं प्रेशर को। ठीक है, तो कोई भी आउटर प्रेशर अगर लगा दिया जाए तो वो प्रेशर इसमें काउंट हो सकता है, बट इस सिस्टम के लिए हम बोल रहे हैं कि ये नेग्लिजिबल है, यानी इसको मान लिया जीरो। ठीक है, ये प्रेशर कौन सा है, एटमोस्फेरिक प्रेशर है, तो व्हाट उस प्रेशर को उसका हमने बोला है, उसी को हमने बोला प्रेशर पोटेंशियल, पहली बात ध्यान रखेंगे। दूसरी हमने बोला सोल्यूट पोटेंशियल। सोल्यूट पोटेंशियल किसको बोलते हैं, सोल्यूट के पार्टिकल्स के हम बोलते हैं फ्री एनर्जी जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सोल्यूट अगर इसके अंदर ऐड कर दिए जाएं तो क्या होगा, वाटर का खुद का पोटेंशियल जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर, अभी मॉलिक्यूल किसकी क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, सोल्यूट की क्वांटिटी जो है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, इसका मतलब सोल्यूट पोटेंशियल जो है वो क्या है, नेगेटिव है, वो नेगेटिव है, तभी तो उसने क्या किया, वाटर पोटेंशियल को कम कर दिया। ठीक है, दोनों ही एनर्जी के बेस में हम बात कर रहे हैं, बट ये जो एनर्जी है वो क्या कर रही है, वाटर की एनर्जी जो है उसको हम कह रहे हैं कि उसको कम कर दे रही है, तो ये क्या हो गई, माइनस के अंदर हो गई। तो सोल्यूट पोटेंशियल जो है वो क्या होता है,
नेगेटिव होता है। और सॉल्यूशन के बारे में अगर हम बात करें कि एक सॉल्यूशन के लिए हमेशा वाटर पोटेंशियल सॉल्यूट पोटेंशियल के बराबर होता है। रीजन, क्योंकि वाटर पोटेंशियल जो है जैसे जैसे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी वो क्या होगा, कम होता जाएगा। सॉल्यूट के ही रेस्पेक्ट में हम यहां पे बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जितना सॉल्यूट का पोटेंशियल जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ने का मतलब ये हो गया नेगेटिव में, यानी कि नेगेटिविटी जो है वो ज्यादा बढ़ रही है। तो नेगेटिविटी जितनी बढ़ रही है उतनी ही क्वांटिटी में वाटर पोटेंशियल क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो हुआ ना वाटर पोटेंशियल सॉल्यूट पोटेंशियल के बराबर। तो ये हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था। इसी के साथ में हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। ऑस्मोसिस तो फिनोमिना है, ये भी एक तरह का हम ये बोले कि डिफ्यूजन प्रोसेस है, बट थ्रू सिलेक्टिवली बोलते हैं परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। अगर कोई सेल है, दो सेल्स हैं, अगर आप ही मान लीजिए कि ये दो सेल नहीं लीजिए, हम लोग यहाँ पे लेते हैं एक सिंगल सेल लिया और एक आउटर एनवायरनमेंट ले लेते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस ले लेते हैं, ठीक है। तो ये सेल है और सेल के अंदर की तरफ जो है वो ये उसको हमने ए बोला और बाहर जो है हम बोल रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है उसको हमने बी बोल दिया। अब हम बोल रहे हैं कि जो मूवमेंट है किसका, वाटर का मूवमेंट जो है वो हो रहा है अपनी हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है। ये तो समझ में आ गया आपको, जो डिफ्यूजन हम जिसको बोल रहे हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल जो होता है वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। बट ऑस्मोसिस हमने उसी डिफ्यूजन को बोला है, बट यहाँ पे ये जो मूवमेंट हो रहा है ये होता है थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, उस मेम्ब्रेन के थ्रू होता है जिसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस उस फिनोमिना को बोला है। अब क्या हो रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल अंदर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, सेल के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि यहां पे वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, हाई है, और यहां वाटर की कंसंट्रेशन ए साइटोप्लाज्म में कंपैरेटिवली लो है। वाटर अंदर की तरफ आते जा रहे हैं तो इसके लिए, इसको रोकने के लिए एक प्रेशर क्रिएट होता है सेल के अंदर। ऐसा तो नहीं है कि हाँ भाई वाटर की कंसंट्रेशन प्लांट है, प्लांट के अंदर हम ये बोल रहे हैं कि सेल जो है सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन एज कम्पेयर टू सॉइल जो है कम है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना पानी अंदर जाता ही जाएगा और रुके ही ना, ऐसा नहीं हो सकता ना कि फिर सेल तो बेचारी फट जाएगी, ऐसा नहीं होता। तो होता क्या है, ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है, वाटर अंदर मूव कर रहा है सेल के अंदर, बट सेल के अंदर ही एक प्रेशर क्रिएट होता है जो कि प्रिवेंट करता है वाटर की एंट्री को, क्योंकि एक्सेस में भी वाटर एंटर नहीं करना है। तो ये जो प्रेशर क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं ऑस्मेटिक प्रेशर, जो अंदर की तरफ से लगता है जिसकी वजह से वाटर जो है वो अंदर की तरफ हम बोलते हैं उसका मूवमेंट जो अब रुक जाए, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो क्या होगा, अंदर सेल में जहां पे हम ये बोल रहे हैं कि साइटोप्लाज्म में ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, हाई है, जिधर मूवमेंट हो रहा है, और जिधर से मूवमेंट हो रहा है उधर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, लो होता है, क्योंकि उधर उनको प्रिवेंट नहीं करना है, क्योंकि उस डायरेक्शन से तो क्या है मूवमेंट हो रहा है वाटर का, आगे की तरफ जा रहा है, यानी इधर से बी से ए की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर, अभी मूवमेंट जो है वाटर का किधर होता है, देखिए लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ होता है। तो समझ में आ गई, हमने ऑस्मोटिक प्रेशर को डिस्कस किया। इसी के साथ में हम लोगों ने वहां डिस्कस किया कि देखिए सेल जो होती है जब वो क्या कर रही है, ऑस्मोसिस प्रोसेस हो रहा है अंदर की तरफ, हम ये बोल रहे हैं कि वाटर जो है मूव कर रहा है, तो सेल जो है उसकी तरफ से एक प्रेशर क्रिएट होता है। जैसे फॉर द एग्जांपल आपने एक फुटबॉल ली और फुटबॉल के अंदर आप हवा भरते रहिए, तो जब आप उसमें हवा भरते रहते हैं तो होता क्या, एक टाइम आने के बाद में वो जो होती है वो पूरी की पूरी फुटबॉल जो होती है वो क्या होती है, वो फूल जाती है, ठीक है। तो आपकी जो एयर आपने उसके अंदर डाली है उसकी वजह से वो एक प्रेशर क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से वो जो बॉल है वो क्या हो गई, पूरी की पूरी टर्गिड हो गई है, फूल गई है, ठीक है। तो इस प्रेशर को जो हमारे द्वारा अंदर फील की गई एयर से उसकी वॉल की सेल जो हम बोल रहे हैं उसकी मेम्ब्रेन पे लगा है, मेम्ब्रेन वर्ड यूज करेंगे क्योंकि हम सेल मेम्ब्रेन को समझाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हमने फुटबॉल की जो आउटर लेयर है उसको हमने मेम्ब्रेन बोल दिया, तो वो मेम्ब्रेन के ऊपर क्या हो रहा है, एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो उसकी वजह से वो पूरी तरह से फूल गई है, टर्गिड हो गई है। यानी कि जब किसी सेल को हम रख देते हैं कौन से सॉल्यूशन में, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, तो वाटर जो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूशन से अंदर की तरफ सेल के अंदर मूव करता है। जब वो सेल के अंदर मूव करता है तो सेल जो है उस पानी के प्रेशर की वजह से क्या हो जाती है, पूरी तरह से फूल जाती है। तो वो प्रेशर जिसकी वजह से वो फूल जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, टर्गर प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। बट एट द सेम टाइम, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि वो फूल के फिर फट जाएगी, ऐसा तो नहीं है, फिर वो प्रेशर जब क्रिएट होगा तो उसकी जो सेल वॉल है प्लांट की वो भी क्या करती है, टर्गर प्रेशर के अगेंस्ट एक प्रेशर क्रिएट करती है, जिसकी वजह से उसकी टर्गिडिटी यानी उसकी जो सेल की हमें बोले जो शेप है वो मेंटेन रहे। तो सेल वॉल की थ्रू सेल वॉल जो है वो टर्गर प्रेशर के अगेंस्ट में क्या करती है, एक और प्रेशर लगाती है, जिसकी वजह से सेल जो है वो टर्गिड रहती है, ठीक है। तो उस प्रेशर को हम बोलते हैं वॉल प्रेशर। तो टर्गर प्रेशर एंड वॉल प्रेशर हमेशा क्या होता है, एक बराबर ही होता है, टीपी इक्वल्स टू डब्ल्यू पी होता है। बट याद रखिए टीपी के
अपोजिट डायरेक्शन में वॉल प्रेशर लगता है, सेल मेम्ब्रेन की तरफ प्रेशर लगने की वजह से वो फूल जाती है, लेकिन सेल वॉल ताकि और आगे ना धकेले, उसकी शेप मेंटेन रहे, उसके लिए वॉल जो है वो क्या करती है, टारगेट प्रेशर के अगेंस्ट एक प्रेशर क्रिएट करती है जिसको हम बोलते हैं वॉल प्रेशर। तो सेम फुटबॉल में समझिए, आपने फुटबॉल के अंदर हवा भरी, वो फूल गई, तो उसकी जो, ऐसा तो नहीं है कि आप उसमें और हवा भरते जाएंगे, ऐसा नहीं होता। एक टाइम आने के बाद में आप उसमें और एयर जो है वो नहीं भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि फुटबॉल की जो हम बोल रहे हैं जो लेयर है उसकी, वो क्या कर रही है, वो आपने जो प्रेशर क्रिएट करवाया है एयर की वजह से, उसके अगेंस्ट एक प्रेशर लगा रही है जिससे कि वो फुटबॉल की शेप तो मेंटेन रहती है, बट आप उसमें और एयर जो है वो नहीं भर सकते हैं। ठीक है, तो वो प्रेशर कौन सा हो गया, वॉल प्रेशर। अब आपने उसको रख दिया, आप देखते हैं पूरा एक दिन निकल जाता है, अगले दिन देखते हैं तो क्या होता है, वो फुटबॉल जो है वो वापस से श्रिंक हो जाती है। रीजन क्या होता है, रीजन ये होता है क्योंकि आप अब उसमें एयर फिल करना तो आपने छोड़ दिया, यानी टारगेट प्रेशर जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, बट वॉल तो क्या कर रही है, अपना प्रेशर लगा ही रही है ना, वॉल प्रेशर तो मेंटेन है। वॉल प्रेशर जब क्या होता है, हम ये बोल रहे हैं कि वो लग रहा होता है, तो उसकी वजह से क्या होती है, सेल जो होती है वो फ्लैसिड हो जाती है ना। तो वॉल प्रेशर जो है अगर वो बढ़ जाए टर्गर प्रेशर से, तो उस कंडीशन के अंदर सेल जो है वो क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, ठीक है, सिकुड़ जाती है। तो ये चीजें हैं, इनको आपको ध्यान रखना चाहिए कि कैसे आप WPNTP जो है इनको एक्सप्लेन करेंगे। चलिए इसी के साथ में हम बात करते हैं DPD, डिफ्यूजन प्रेशर के बारे में, कि डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है। तो डिफ्यूजन प्रेशर उधर ज्यादा होगा जिधर मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो वो अपनी तरफ से एक प्रेशर क्रिएट करेंगे। यहाँ पे अलग अलग तरह से प्रेशर है। ओस्मोटिक प्रेशर तो क्या था, धक्का, एक होता है ना धक्का देने वाला, रोकने वाला होता है, वो भी एक प्रेशर क्रिएट होता है। और हम ये बोल रहे हैं कि एक जो होता है वो हम बोल रहे हैं कि जैसे मान लीजिए दो भाई बहन है, तो भाई ने तो क्या कर रखा है कि आपके, हम ये बोल रहे हैं कि हैंड ग्लव्स पहने हैं और वो तो मार रहा है ना, एक तो ये प्रेशर लग रहा है और एक अपने आप को रोकने के लिए भी क्या कर रहे हैं, प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। तो दो तरह के प्रेशर है जो लग रहे हैं, ठीक है ना, दोनों ही साइड से, पर दोनों ही डिफरेंट है, उसे समझिए। तो देखिए आगे बढ़ने के लिए, यानी डिफ्यूजन जो प्रोसेस हो रहा है उसमें मॉलिक्यूल जब उनकी कंसेंट्रेशन बढ़ रही है तो वो भी एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, उस प्रेशर को हम बोलते हैं डिफ्यूजन प्रेशर। तो जिधर मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे उधर डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा होगा। तो जिस साइड में उनकी क्वांटिटी कम है, लोअर हम ये बोल रहे हैं कि उनकी कंसेंट्रेशन है, उधर डिफ्यूजन प्रेशर क्या है, कम है। तो जो भी मॉलिक्यूल है वो अपने हायर डिफ्यूजन प्रेशर से लोअर डिफ्यूजन प्रेशर की तरफ मूव करेंगे। तो ये चीज समझ में आया आपको। अब देखिए एक आता है DPD, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंसी। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंसी का मतलब यह हो गया कि डिफ्यूजन जो प्रेशर है उसकी कमी होना, यानी कि जिधर मॉलिक्यूल ज्यादा है वहां तो क्या है, डीपी ज्यादा है। जहां डीपी ज्यादा है इसका मतलब वहां पे DPD जो है वो क्या है, कम है। जबकि उसके अगेंस्ट दूसरी साइड में जहां पर डिफ्यूजन जो, वहां जहां मॉलिक्यूल की कंसेंट्रेशन कम है और हम ये बोल रहे हैं कि वहां पर डीपी जो है वो भी क्या है, कम है, इसका मतलब डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंसी वहां क्या है, ज्यादा है। डिफ्यूजन प्रेशर की वहां कमी है ना, तो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंसी वहां क्या है, ज्यादा है। तो देखिए डीपीडी क्या है, देखिए मूवमेंट कैसे होगा, मूवमेंट होता है लोअर, वाटर का मूवमेंट होगा लोअर डीपीडी से हायर डीपीडी की तरफ, ठीक है। जहां पर उनकी डीपी ज्यादा होगा वहां उनका डीपीडी कम होगा, ठीक है। तो वो अपनी डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंसी, लोअर डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंसी से हायर डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंसी की तरफ मूव करेंगे। अभी प्लांट के रेस्पेक्ट में समझिए, रूट है, रूट के अंदर क्या होता है, देखिए रूट के अंदर एज कंपेयर टू सॉइल अगर हम लोग देखेंगे तो वहां पर डीपीडी जो है वो हमेशा क्या रहता है, लो रहता है, ठीक है। और जबकि अगर हम बात करेंगे लीफ पार्ट की तो वहां पर डीपीडी जो है वो हमेशा हाई रहता है। रीजन क्या है, क्योंकि देखिए लीफ जो होती है, पत्तियां जो होती है, वहां पर क्या हो रहा है, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस होता रहता है। ट्रांसपीरेशन प्रोसेस की वजह से वहां पर हमेशा वाटर की कंसेंट्रेशन हमें कम देखने को मिलती है। वाटर की कंसेंट्रेशन कम तो डीपी कम, और डीपी कम तो इसका मतलब डीपीडी हाई। जबकि रूट के रेस्पेक्ट में बात करें तो वहां पर हमेशा डीपीडी जो है वो क्या रहेगा, वो लो रहेगा। रीजन क्या होता है, रीजन ये होता है क्योंकि रूट जो होती है वो वाटर से क्या करती है, एब्जॉर्प्शन कर रही होती है। रूट का फंक्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। देखिए दोनों का फंक्शन अलग अलग है, उसी रेस्पेक्ट में हम समझा रहे हैं। रूट एब्जॉर्ब कर रही है, इस वजह से वाटर को वो क्या करती रहती है, एब्जॉर्ब करती रहती है, कंटिन्यू वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है। जब वो वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है तो वहां पर क्या है, वहां पर डीपी जो है वो ज्यादा है, डीपीडी तो वहां पे क्या होगा, फिर कम होगा। डीपी ज्यादा होगा तो डीपीडी वहां पे कम होगा। तो हमेशा रूट के अंदर डीपीडी जो होता है वो कम होता है और लीफ के अंदर जो है वो डीपीडी हाई होता है। इसीलिए रूट से लेकर क्या है, पानी जो होता है अपर डायरेक्शन में मूव करता है, पत्तियों तक जाता है, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है, ये मूवमेंट इतनी लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट किस वजह से हो गया, इसी वजह से होता है क्योंकि रूट एब्जॉर्प्शन करती है वाटर का, और जबकि लीफ जो है वहां से ट्रांसपीरेशन प्रोसेस होता रहता है। तो देखिए यही चीजें हम आज डिस्कस करने वाले हैं, लॉन्ग डिस्टेंस, हम बोल रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ
वाटर कैसे होता है, रूट से लेकर इतने बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, इतनी उनकी हाइट होती है, तो कैसे उनकी इतनी हाइट तक, ऊंचाई तक जो है वो पानी मूव कर जाता है, उसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये सब चीजें आपके माइंड में क्लियर हो गई, बाकी सब चीजें जैसे हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक ये सब चीजें हम लोगों ने एक्सप्लेन की थी कल की क्लास में, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ये समझते हैं कि ये क्या होता है। तो देखिए प्लांट के अंदर कोई पर्टिकुलर सर्कुलेटरी सिस्टम तो है नहीं, जैसे कि हमारे अंदर होता है ब्लड होता है तो वो सर्कुलेशन कर देता है, सप्लाई कर देता है, पूरा एक सिस्टम मेंटेन है। बट वाटर हम ये बोल रहे हैं कि प्लांट में ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है, वहां पे वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, यानी उनके दो पार्ट है जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम जो होता है वो क्या करता है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करवाता है रूट से, हम ये बोल रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में लीफ तक, पत्तियों तक, ठीक है, पत्तियां हो या फिर स्टेम पार्ट हो या फिर फ्रूट्स है फ्लावर्स है वहां तक, जो भी अप, हम ये बोल रहे हैं कि रूट से जो है उसका डायरेक्शन हमेशा कहाँ होता है, हम ये पत्तियों तक ही बोलते हैं क्योंकि पत्तियों में ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता रहता है, तो वो उसी की वजह से जो है पानी जो है अपर डायरेक्शन में मूव करता है, अपहिल मूवमेंट जो हम ये बोल रहे हैं कि वाटर का कैसे होता है, ग्रेविटी के अगेंस्ट में। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो वाटर का मूवमेंट हमेशा अपर डायरेक्शन में होता है, तो यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होता है, जाइलम के थ्रू होता है, ये सब चीजें हम लोगों ने पहले भी डिस्कस की है और अभी भी आप लोगों को मालूम है, ठीक है। और वाटर अगर वहां पे मूव कर रहा है तो उसके साथ साथ में उसमें डिजोल्व जितने भी मिनरल्स हैं उनका भी मूवमेंट होगा, और मिनरल एलिमेंट्स के बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर हो गया आप लोगों के दिमाग में ये चीज। चलिए अब देखिए कुछ छोटी छोटी बातें, जैसे कि रूट है, हम ये बोल रहे हैं कि रूट्स जो होती हैं तो उनमें प्रेजेंट होते हैं क्या, ये उनके ब्रांचेस हैं, इन पे प्रेजेंट होते हैं रूट हेयर। तो रूट हेयर क्या करते हैं, रूट का सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं जिसकी वजह से वाटर का एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो, ठीक है। इसी के साथ में अगर हम बात करें तो ये मूवमेंट जो होता है वो कैसे होता है, उसको डिस्कस करने से पहले आप लोग ये छोटी सी लाइन में मैं आपको समझाती हूँ कि वाटर का इतना ऊपर तक मूवमेंट जो है वो किस रीजन से होता है। तो देखो उसका रीजन ये होता है कि वहां पर दो तरह के प्रेशर काम करते हैं, एक तो काम करता है आपका रूट प्रेशर काम करता है, और दूसरा जो होता है वो हम ये बोले सक्शन या फिर ट्रांसपिरेशन बोलते हैं कि जो प्रेशर होता है या सक्शन प्रेशर जो होता है वो काम करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे दो तरह की थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, रूट प्रेशर थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे और ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से रूट से लेकर लीफ तक जो है पानी का मूवमेंट हो रहा है। बट उससे पहले क्योंकि रूट मेन एब्जॉर्प्शन कर रही है वाटर का, वाटर के साथ उसमें प्रेजेंट मिनरल्स का, तो उसका पाथवे जो है वो कैसे होता है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन कई बार बना है, आप लोग ध्यान नहीं देते क्योंकि बहुत इजी सा है। इस वजह से देखिए हमने दोनों पाथवे के बारे में बात की थी, एक हमने एपोप्लास्ट पाथवे की बात करी थी और एक सिम्प्लास्ट की बात करी थी। एपोप्लास्ट पाथवे क्या होता है कि देखिए ये सेल है ना, हम मान रहे हैं ये रूट है, तो रूट के अंदर प्रेजेंट ये उनकी सेल है, ठीक है। और सेल में आप जानते हैं उसके चारों तरफ क्या होती है, सेल वॉल होती है, ये मान लीजिए उसकी सेल वॉल है, मिडल लैमेला है, मैंने डायग्राम को बिगाड़ दिया है, सॉरी। चलिए मैं उसको थोड़ा सा वापस से सही कर देती हूँ। चलिए हाँ, तो देखिए ये मैंने बोला कि ये है आपकी प्लांट सेल, ठीक है। तो देखिए सिम्प्लास्ट सॉरी एपोप्लास्ट मूवमेंट हम किसको बोलते हैं, एपोप्लास्ट मूवमेंट जो होता है वो एक तरह से पहली बात तो पैसिव मूवमेंट होता है, ठीक है, उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है बिल्कुल भी, क्योंकि वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट हो रहा है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू नहीं होता, इसलिए उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो ये जो उसका मान लीजिए कि वाटर है, ये सॉइल एरिया है, वहां से वाटर ने मूव किया अंदर रूट की सेल में, तो यहां पर जो इनकी सेल में प्रेजेंट सेल वॉल है इसी के थ्रू जो है वाटर जो है आगे की तरफ मूव करेगा, यानी सेल टू सेल मूव कर रहा है, बट उनके सेल वॉल वाला जो एरिया है वहीं पे ये मूवमेंट हो रहा है। इस डायरेक्शन में ये क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से बताऊं तो ये उसकी सेल वॉल है और यहां से वाटर जो है आगे की तरफ मूव कर रहा है, इस मूवमेंट को हम बोलते हैं एपोप्लास्ट मूवमेंट, ठीक है। सिम्प्लास्ट मूवमेंट किसको बोलते हैं कि जब अगर वाटर जो है वो मूव करे सेल मेम्ब्रेन के थ्रू साइटोप्लाज्म में एंड देन वहां पे स्टोर भी होगा, तो वो वैक्यूल के अंदर टोनोप्लास्ट जो है उसको भी क्रॉस करेगा, एंड जब वहां से अगर रिमूव भी हुआ तो उन्हीं मेम्ब्रेन को वापस क्रॉस कर रहा है एंड फिर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू वापस जो है दूसरी सेल में गया। तो यहाँ पे जो इनकी सेल वॉल में और यहाँ पे प्रेजेंट जो हम बोलते हैं कि पासिस जो एरिया होता है जिसको हम क्या प्लाज्मोडेस्मेटा बोलते हैं, जिसके थ्रू ये वाटर जो है एक सेल से दूसरे सेल में जो है एंटर करता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू कनेक्टेड रहता है। तो इस तरीके से ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं, और जब ये वाटर का मूवमेंट जो है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा था इसको हम सिम्प्लास्ट मूवमेंट बोलते हैं, और ये एक्टिव प्रोसेस है, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि इनको एक लिविंग मेम्ब्रेन को क्रॉस करना होता है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिए,
एपोप्लास्ट मूवमेंट क्या है और सिम्प्लास्ट मूवमेंट क्या है। अब रूट के अंदर ये मूवमेंट कैसे होगा, किस तरीके से वाटर जो है मूव करेंगे। चलिए तो ये डिस्कशन वही कंपैरिजन है एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट का। अगर दोनों में कंपैरिजन में देखिए तो एपोप्लास्ट मूवमेंट जो होता है, अगर हम इसकी बात करें तो ये फास्ट मूवमेंट होता है, पैसिव हो रहा है, सेल वॉल थ्रू हो रहा है, जबकि सिम्प्लास्ट के अंदर वही सेलेक्ट वो हमें बोले जो है आपके सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके हो रहा है, तो थोड़ा सा स्लो होता है एज कम्पेयर टू एपोप्लास्ट मूवमेंट। ठीक है, तो ये स्लोवर होता है। इसके अलावा जो हम ये बात करेंगे अगर इनमें साइटोप्लाज्म है, तो सिम्प्लास्ट जो है वो साइटोप्लाज्म जो है उसको हम बोलते हैं कि क्रॉस करता है, तो इस वजह से साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जो है वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। बिल्कुल, वाटर जो है उसकी वजह से साइटोप्लाज्म जो है मूवमेंट जो है वो भी करता है। चलिए तो ये तो वही कंपैरिजन है, इसको छोड़ के हम लोग अगर आगे बढ़े, क्योंकि हमने सिम्प्लास्ट एंड एपोप्लास्ट के बारे में पहले ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो देखिए, अगर जब कोई अगर हम रूट के बारे में बात करें, तो रूट के अंदर अगर हम आउटर लेयर टू इनर लेयर की तरफ जाएं कि अगर उनको वेस्कुलर बंडल तक पहुंचना है, क्योंकि आप जानते हैं कि जाइलम के थ्रू ही पानी जो है ऊपर तक जाएगा, तो जाइलम जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, ये रूट है मान लीजिए, तो रूट के सेंटर के अंदर क्या है, वो आपके जाइलम प्रेजेंट है। तो वहां तक पहुंचने के लिए वाटर जब क्या करेगा, एब्जॉर्ब होगा, ये रूट है तो रूट की जो आपकी आउटर मोस्ट लेयर है उसके थ्रू सबसे पहले एब्जॉर्ब होगा, देन फिर वो उसकी इनर लेयर को क्या करेगा, क्रॉस करेगा, और क्रॉस करते करते अंदर की तरफ प्रेजेंट उनके जाइलम तक जाएगा। ठीक है, तो जाइलम तक पहुंचने के लिए उनको कौन कौन सी, हम ये बोल रहे हैं कि जो लेयर्स है उनको क्रॉस करना पड़ता है, कौन कौन सी सेल्स को जो है क्रॉस करना पड़ता है। तो देखिए, अगर मैं ये बोलूं कि ये रूट है, इस तरह से मैं रूट बना दूं, ये सर्कुलर है बट उसका एक पोर्शन जो है उसी को हमने कट किया है जाइलम तक पहुंचने का। ठीक है, ये सर्कुलर पूरी रूट है। अब देखिए, आउटर लेयर जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस, तो एपिडर्मिस जो है उसको क्रॉस करना पड़ेगा। एपिडर्मिस के बाद में आया कॉर्टेक्स, यानी कॉर्टेक्स को भी क्रॉस करना पड़ रहा है। फिर आप जानते हैं वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ क्या प्रेजेंट होती है, एंडोडर्मिस, एंड एंडोडर्मिस के अंदर एक और लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं पेरिसाइकिल। ठीक है, अब जानते हैं पेरिसाइकिल, फिर उसके बाद में जो आता है जाइलम। जाइलम में भी अगर हम देखें तो रूट के अंदर प्रोटोजाइलम पहले एंड देन मेटाजाइलम। तो ये पाथ रहता है किसके मूवमेंट का, वाटर के मूवमेंट का, जाइलम तक पहुंचने के लिए। जाइलम से फिर वो मूवमेंट होगा अपर, हम ये बोल रहे कि जो प्लांट के पार्ट्स हैं वहां तक इनका मूवमेंट होगा। चलिए, अभी यहां देखिए एपिडर्मिस है, यहां पर कोई हम बोल रहे हैं कि बैरियर प्रेजेंट नहीं है, तो देखिए प्लांट जो आपका वाटर है वो वाटर क्या कर रहा है, एपोप्लास्ट मूवमेंट कर रहा है सेल वॉल के थ्रू, देन फिर वो कॉर्टेक्स की भी सेल में चला जाएगा, यहां पे भी उसने एपोप्लास्ट मूवमेंट किया, देन वो क्या कर रहा है एंडोडर्मिस की सेल में गया। लेकिन देखिए एंडोडर्मिस में जब जाएगा तो आपको पता है वहां पे सुबेरियन का जमाव मिलता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स मिलती है। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो होती है दैट इज इम्परमिएबल फॉर द वाटर, वाटर जो है उसके थ्रू आगे मूव नहीं कर सकता। तो यहां पर क्या आ गई, यहां पर हम ये बोल रहे हैं कि बीच में उसको स्टॉप कर दिया है। ठीक है, तो यहां पे जो ये सेल्स प्रेजेंट है एंडोडर्मिस की, जिनको हम क्या बोलते हैं, पासस सेल बोलते हैं, तो अब जो वाटर है वो क्या करता है, उसकी मेम्ब्रेन को क्रॉस करके एंडोडर्मिस की उन पासस सेल के साइटोप्लाज्म में चला जाता है। यानी कि यहां जब वो चला गया उसके बाद में फिर वो क्या करेगा, सिम्प्लास्ट मूवमेंट करेगा, जिसकी वजह से वो पेरिसाइकिल के अंदर वाटर का मूवमेंट हो जाएगा, वाटर जो है पेरिसाइकिल में आ जाएगा, देन पेरिसाइकिल टू फिर वो जाएगा किसके अंदर, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम के अंदर, यानी जाइलम में वो एंटर करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में जाइलम जो है वो उसको अपर डायरेक्शन में वाटर का मूवमेंट करवाएंगे। चलिए, इसी के साथ में केवल यहां से एपोप्लास्ट मूवमेंट नहीं होता है, सिम्प्लास्ट मूवमेंट भी हो रहा है। सिम्प्लास्ट जो है वो डायरेक्टली फिर वो क्या करना पड़ेगा, सेल मेम्ब्रेन एपिडर्मिस की क्रॉस करेंगे, देन इसका साइटोप्लाज्म, फिर एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस में, एंडोडर्मिस टू पेरिसाइकिल एंड देन जाइलम, और यहां पे प्लाज्मोडेस्मेटा प्रेजेंट होते हैं जिनके थ्रू साइटोप्लाज्म दो से एडजेसेंट सेल का क्या है, कनेक्टेड रहता है, जिसके थ्रू वाटर जो है वो मूव करता है, और इस तरीके से वो जाइलम तक पहुंचते हैं। तो दो पाथवे हैं जो कि रूट के अंदर जो है वाटर के हम बोलते हैं कि मूवमेंट के लिए प्रेजेंट होते हैं, एपोप्लास्ट पाथवे एंड सिम्प्लास्ट पाथवे। दोनों आपके दिमाग में क्लियर हो गए होंगे, और वाटर का मूवमेंट रूट के अंदर कौन कौन सी लेयर से होते हुए जाता है ये सिक्वेंस भी आपको पता चल गई है। ठीक है, तो ये क्लियर पिक्चर दिमाग में रखिए कि कैसे उनका मूवमेंट हुआ। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग ओस्मोटिक प्रेशर और डीपी के बारे में, डीपीडी के केस में अगर डिस्कस करना चाहे तो हम उसको डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं ना कि यहाँ पे सॉइल है, सॉइल में वाटर कंटेंट ज्यादा है, हायर हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे कंसंट्रेशन है, इसका मतलब ओस्मोटिक प्रेशर लो है। एपिडर्मल हो, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, ये जितनी भी सेल्स हैं, अगर हम इनमें कंपेरेटिव सबसे पहले एपिडर्मिस की बात करें तो एपिडर्मिस में क्या होगा, ओस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, जबकि वहां पर हम ये बोल रहे हैं कि ओस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, कंसेंट्रेशन जो है वाटर की कम होगी, इस वजह से वाटर जो है इन
अंदर की तरफ मूव कर जाएगा। अब जैसे वाटर अंदर की तरफ मूव करता जाएगा होगा क्या, टर्गर प्रेशर जो है वो भी इंक्रीज होगा और वॉल प्रेशर वो भी इंक्रीज होगा, बट उसी के साथ साथ में ओस्मोटिक प्रेशर घटेगा, इसकी वजह से ओस्मोसिस होगा एंड कॉर्टेक्स में वो एंटर करेंगे। इस तरीके से वो आगे की तरफ क्या होते हैं, मूव करते जाते हैं। तो सिंपल मैंने इस केस में आपको बता दिया। इसी के अलावा डीपीडी के केस में अगर मैं बताऊं तो आपको पता है पूरी रूट के अंदर रेस्पेक्ट में हम बात करें तो डीपीडी जो होता है यहां पर क्या होता है, लो होता है, क्योंकि यहाँ पे डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा होता है जिसकी वजह से रूट से पानी जो है अपर डायरेक्शन में मूव करे। ठीक है, तो रूट का हमेशा डीपीडी जो है वो लो रहेगा। हम पूरी रूट के केस में बात कर रहे हैं, रूट की खुद की किसी एक सेल के बारे में हम यहाँ पे डीपीडी नहीं बता रहे हैं। ठीक है, इस बात को और इस लाइन को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो वही पाथवे है आपका, आपको मालूम है पाथवे जो है वो कैसे होता है, रूट हेयर देन एपिडर्मिस कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस देन पेरिसाइकल देन प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। चलिए माइकोराइजा, माइकोराइजा ये हम ये बोल रहे हैं कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है फंगस का, हम बोलते हैं हायर प्लांट्स के साथ में। तो ये एक्चुअल में फंगस जो होती है वो क्या करती है, रूट के चारों तरफ जो है इस तरीके से घेर लेती है और उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से वाटर का एब्जॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज हो जाता है, प्लस मिनरल आयंस जो है उनका भी एब्जॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। फंगस जो है वो आपको पता है कि माइक्रो जब एसोसिएशन करती है हायर रूट प्लांट की रूट के साथ में तो उसको हम बोलते हैं माइकोराइजा। ये एक परमानेंट एसोसिएशन होता है, ये नहीं हो तो प्लांट जो है उसकी ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, इसी के साथ में अगर हम देखें तो ये किसमें प्रेजेंट होता है, तो ये पाइनस के अंदर जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, और कैन नॉट पाइनस सीड जो होते हैं वो जर्मिनेट ही नहीं कर पाते हैं अगर माइकोराइजा नहीं हो। ये तो मैंने सिंपल आपको बता दिया, ये परमानेंट होता है माइकोराइजा, इसका होना बहुत जरूरी है। चलिए, वाटर मूवमेंट अप ए प्लांट कैसे होता है, देखिए इसके अंदर एक शब्द आता है जिसको हम बोलते हैं असेंट ऑफ सैप। असेंट ऑफ सैप का मतलब क्या होता है, असेंट ऑफ सैप का मतलब ये हो गया, अभी देखिए मूव किया और जाइलम के अंदर पहुंच गया है वाटर। जाइलम के अंदर जब वो पहुंचा तो वहां पर क्या है, वहां पर मिनरल्स भी हैं और हम ये बोल रहे हैं कि अनदर जो वाटर में डिजोल्व जितनी भी चीजें हैं वो सब प्रेजेंट है, सोल्यूट पार्टिकल्स हैं उसमें। तो जाइलम के अंदर जो हम ये बोल रहे हैं कि जब वो पहुंच रहा है तो हम ये बोल रहे हैं असेंट ऑफ सैप का मतलब हुआ कि जो सैप वो जो वाटर है जिसके अंदर सॉल्यूट मिक्स है, मिनरल्स जो है वो उसमें डिजोल्व है, उसका असेंडिंग मूवमेंट यानी ऊपर की तरफ मूवमेंट, उसको हम बोलते हैं असेंट ऑफ सैप। ठीक है, सिंपल शब्दों में अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एब्जॉर्ब्ड वाटर अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स अप टू टॉप पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड असेंट ऑफ सैप। सिंपल शब्दों में असेंट वर्ड आ रहा है, वहीं से समझ जाइए, असेंडिंग मूवमेंट ऑफ सैप, वो वाटर उसके साथ डिजोल्व मिनरल का अपर डायरेक्शन में मूवमेंट को हम बोल रहे हैं। ठीक है, जाइलम जो है इसके अंदर वाटर के हम बोले कंडक्टिव पार्ट है ही। अब देखिए रूट प्रेशर क्या होता है, रूट प्रेशर एक्चुअल में अगर आपने एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल ली और उसमें आपने स्ट्रो को डाला तो आप देखेंगे क्या कि स्ट्रो जो होता है नीचे जो है वो क्या होता है, आधा अपने आप से भर जाता है। उसके बाद में आप ऊपर से क्या करते हैं, जब उसको सक करते हैं तो एक प्रेशर आप ऊपर से क्रिएट करते हैं जिसको आप सक्शन प्रेशर बोल रहे हैं, जिसकी वजह से फिर वो थम्सअप जो है वो और ऊपर जाती है। लेकिन अगर आप सक्शन प्रेशर ना लगाए तो उसके बावजूद भी थम्सअप जो है थोड़ी सी उस स्ट्रो के अंदर आगे की तरफ जरूर मूव की होगी। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट हो रहा है ना, ये जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है रूट के अंदर जिसकी वजह से थम्सअप जो है ऊपर गई, सॉरी मैंने यहाँ रूट वर्ड यूज किया, स्ट्रो के अंदर जो है थम्सअप जो ऊपर की तरफ मूव की है, तो ये जो मूवमेंट हुआ है, ये जो प्रेशर क्रिएट हुआ वहां पे, हम ये बोल रहे हैं कि थम्सअप की कंसंट्रेशन हाई होने की वजह से, वही आप इमेजिन करिए रूट के अंदर भी कि रूट जो है वो प्रेजेंट, वो पेनिट्रेट है सॉइल में वाटर कंटेंट ज्यादा है, इस वजह से रूट के अंदर क्या होता है, एक प्रेशर क्रिएट होता है, कंसंट्रेशन वहां पे वाटर की ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। ऊपर से मान लीजिए अभी कोई प्रेशर नहीं लग रहा है, ठीक है, कोई ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा है, जीरो ट्रांसपिरेशन, उस केस के अंदर क्या होगा, उस प्रेशर की वजह से रूट के अंदर क्या हो जाएगा, पानी जो है वो थोड़ा ऊपर की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा रूट के अंदर ही, उसको हम बोलते हैं रूट प्रेशर, पहली बात। दूसरी देखिए एक फिनोमिना होता है गटेशन। गटेशन क्या होता है कि जो ग्रासेस वगैरह में आप देखते हो कि उनके ऊपर छोटी छोटी पानी की बूंदे आई होती है, वो पानी की बूंदे क्या होती है, वहां पे प्रेजेंट लीव्स में हाइड्रोथोर्स होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो होता क्या है, ये रूट प्रेशर की वजह से गटेशन होता है। गटेशन क्या होता है, क्योंकि देखिए नाइट के टाइम पे ट्रांसफर, हम ये बोल रहे हैं कि सनलाइट जो है वो नहीं है, टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा, क्योंकि पानी इवोपरेट हो जाएगा, लीफ एरिया सरफेस से क्या हो जाता है वो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में रहता है, टेम्परेचर जो है वहां से क्या होता रहता है, पानी को इवोपरेट करता रहता है, दैट इज ट्रांसपिरेशन। ठीक है, वही ट्रांसपिरेशन है। अब नाइट के टाइम पे कोई टेम्परेचर हाई नहीं है, ट्रांसपिरेशन भी क्या होता है उस टाइम पे कम हो रहा होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो रूट प्रेशर की वजह से पानी ऊपर जाता है तो वो वहां पे प्रेजेंट हाइड्रो
से बूंदों के रूप में बाहर निकलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, गटेशन बोलते हैं। तो गटेशन जो फिनोमिना है वो किसकी वजह से होती है, रूट प्रेशर की वजह से होती है। चलिए क्लियर हो गया आप लोगों को ये चीज। रूट का जो हम बोल रहे हैं मूवमेंट, रूट प्रेशर जो है सबसे पहला प्रेशर काम किया वाटर के अपर डायरेक्शन में मूवमेंट के लिए। उसके अलावा दूसरा जो प्रेशर इस पे काम करता है वो होता है ट्रांसपीरेशन। चलिए ट्रांसपीरेशन जो है, पूल क्या होता है ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन के अंदर लीव्स जो है हम ये बोल रहे हैं कि वहां पर क्या होती है, ये देखिए अगर मैं लीव के बारे में बात करूं तो ये पत्तियां हैं और सनलाइट जो है वो क्या कर रही है, डायरेक्टली इसके ऊपर गिरेगी, जब गिरेगी तो वो क्या कराएगी, वाटर का इवोपरेशन करवाएगी। बट ये फिनोमिना होगा कब, देखिए स्टोमेटा जो वहां पे प्रेजेंट होते हैं उन स्टोमेटा से हम ये बोलते हैं ट्रांसपीरेशन होता है, क्योंकि स्टोमेटा से हम ये बोल रहे हैं कि जो कि डोर्सी वेंट्रल लीफ के बारे में बात करें डाइकोट लीफ में, तो वो हमेशा नीचे की साइड में जो है वो ज्यादा होता है, जबकि आइसोवाइलेटरल में इक्वली हम स्टोमेटा देखने को मिलते हैं। स्टोमेटा जो है वो उनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग चलती रहती है, ठीक है ना। तो हम ये बोल रहे हैं कि डे टाइम के अंदर जब स्टोमेटा ओपन होते हैं उस टाइम पे सनलाइट जो है वो तेज है, टेम्परेचर ज्यादा है, इस वजह से वो क्या करती है, इवोपरेशन करती है। तो इवोपरेशन वाटर का क्या हो जाएगा, होने की वजह से लीफ एरिया के अंदर वाटर की कंसेंट्रेशन कम होगी, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर वहां पे क्या होगा, ज्यादा होगा। ऑस्मोसिस करने का प्रेशर आप बोल सकते हो यहाँ पे, तो ऑस्मोटिक प्रेशर वहां क्या है, ज्यादा है, और नीचे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, कम है। इसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर वहां पे हम बोले ज्यादा होने की वजह से पानी जो है वो क्या कर रहा है, जो हम पत्तियां हैं पत्तियों की जो एपिडर्मिस है वहां से वो अपने हम बोलते हैं कि जो उनकी कॉर्टेक्स एरिया है वहां से वो मिजोफिल एरिया से वो पानी को जो है अपनी अंदर लेंगी एंड देन वो इवोपरेट हो जाएगा। बट ये क्या करती रहती है, अपने एडजेसेंट सेल से पानी लेती रहती है, खुद खाली हो जाती है। मान लीजिए लीफ की एपिडर्मिस है वो खुद खाली हो गई तो वो क्या करेगी, मिजोफिल एरिया से पानी जो अपने अंदर ले लेगी, मिजोफिल में पानी नहीं है, कंसंट्रेशन कम होगी, देन वो क्या करेगी, वहां पे प्रेजेंट जो उनके वेस्कुलर बंडल है जाइलम, वहां से पानी को क्या करेगी, अंदर लेगी। जाइलम के अंदर जब पानी की क्या होगी, कंसंट्रेशन लीफ के अंदर कम होगी, तो उसकी वजह से एक प्रेशर क्रिएट होगा, सक्शन प्रेशर ऊपर की तरफ ट्रांसपीरेशन की वजह से, जिसकी वजह से पानी जो है रूट से लीफ में ऊपर तक मूव करेगा, ठीक है। अब वाटर का ये जो मूवमेंट ऊपर हुआ है वहां पर भी दो तरह की हम ये बोल रहे हैं फोर्स काम कर रहा है, एक तो एडेशन एक कोहेशन फोर्स। एडेशन एंड कोहेशन फोर्स क्या होता है, कोहेशन फोर्स का मतलब होता है कि को का मतलब वो साथ साथ अपने ही जैसे, तो वाटर मॉलिक्यूल्स के अपने ही बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होता है जिसकी वजह से वो एक साथ साथ बने रहते हैं और ऊपर की तरफ एक हम ये बोलते हैं ना कि एक साथ मूव करता है पूरा का पूरा, जैसे पूरा एक बल्क में पूरा फ्लो जब उसका हो जाता है ऊपर की तरफ एक पूल क्रिएट हो जाता है, तो वो किस वजह से हो रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल एक साथ साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है ना, एक साथ साथ में वो अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं, एक साथ साथ बने हुए हैं। और सेम उसी टाइम पे जाइलम की जो ट्रैकेट्स एंड वेसल्स होती है उनकी वॉल के बीच में, वो अब हम बोल सकते हैं कि अनदर दूसरी सेल्स हो गई और खुद वाटर जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में हम क्या कर रहे हैं, एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, उसको हम बोलते हैं एडेशन फोर्स। तो एडेशन का मतलब होता है, ऐसे आप याद रख सकते हैं, अलग अलग चीजों के बीच, अलग अलग चीजें कैसे हो गई, वाटर तो मॉलिक्यूल हो गया और ट्रैकेट्स एंड वेसल्स की क्या हो गई, वॉल हो गई, वो सेल्स हैं और ये जबकि मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में हम क्या कर रहे हैं, एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है जिसको हमने एडेशन बोला। कोहेशन बोला एक जैसे दिखने वाले साथ साथ, को का मतलब होता है ना सह, साथ साथ, ठीक है, उसे आप याद रख सकते हैं, वाटर मॉलिक्यूल जो एक जैसे हैं एक साथ साथ बने हुए उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है जिससे वो एक साथ मूव कर रहे हैं ऊपर की तरफ उसको हम बोलते हैं कोहेशन। तो एडेशन एंड कोहेशन फोर्स जो है उसकी वजह से वाटर जो है वो क्या होता है ऊपर की तरफ मूव करता है, तो इसी को हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन पूल थ्योरी, जिसको आप कोहेशन एडेशन ट्रांसपीरेशन पूल थ्योरी भी कह सकते हैं, जिसकी वजह से वाटर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। और चूंकि ये क्या है, सक्शन प्रेशर की तरह ही काम करे, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, सक्शन प्रेशर बोल सकते हो, ट्रांसपीरेशन की वजह से क्रिएट होने वाले प्रेशर को जिसकी वजह से पानी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, राइट। तो ये क्या है, सक्शन प्रेशर होता है, ठीक है। तो क्लियर हो गई आप लोगों के दिमाग में ये चीजें कि वाटर कैसे मूव कर रहा है आगे की तरफ, किस तरह से मूवमेंट उनका हो रहा है। चलिए तो ये हो गया आपका ट्रांसपीरेशन पूल थ्योरी। ट्रांसपीरेशन क्या है, वही है कुछ फैक्टर्स इनको भी काम, इवोपरेशन होता है वाटर का प्लांट्स के थ्रू, जो लीव्स की पत्तियां स्टोमेटा होते हैं लीव की उनके उनसे जो है वो ट्रांसपीरेशन होता है, वाटर का इवोपरेशन को ट्रांसपीरेशन हम बोल रहे हैं। ये कई फैक्टर इस पे काम करते हैं, जैसे एक्सटर्नल फैक्टर की बात करें तो टेम्परेचर बिल्कुल हाई होगा तो इवोपरेशन ज्यादा होगा, लाइट ज्यादा होगी तो हम वही बोल रहे हैं ह्यूमिडिटी ज्यादा है
और विंड जो है उसकी स्पीड ज्यादा है, तो उस केस में भी क्या होता है कि इवेपोरेशन ज्यादा होता है, वो तो आप समझ सकते हैं। अगर आपने एक दुपट्टा लिया, गीला किया, तो आप देखिए उसको जोर जोर से पछाड़ मारिए हवा के अंदर, तो होता क्या है, जितना ज्यादा आप उसको जल्दी हिलाएंगे तो वो बहुत जल्दी सूख जाता है। रीजन, उनके जो थ्रेड होते हैं उसके बीच में जो वाटर है वो जल्दी इवोपरेट हो जाता है। तो वही हवा की स्पीड, अभी तो क्या है, लीफ जो है वो तो अगर हम बोल रहे हैं अपने प्लांट से लगी और उस पर हवाएं तेज चल रही है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, वो जो प्लांट, उससे इवोपरेशन जो है वो बढ़ जाएगा। चलिए, प्लांट फैक्टर जो है वो भी कई तरीके से काम करते हैं, जैसे कि कितने ज्यादा स्ट्रोमेटा है, कितने नंबर में डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहां डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब देखिए, आइसोबाइलेटरल लीफ है उसके दोनों साइड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, जबकि डाइकॉट अगर लीफ है तो हम ये बोल रहे हैं कि उसके हमें लोअर सरफेस पे जो है वो ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं स्ट्रोमेटा, ठीक है। और कितना परसेंट वो स्ट्रोमेटा ओपन होगा, ज्यादा अगर आप ओपन स्ट्रोमेटा जो रहेगा तो वो ज्यादा ट्रांसपिरेशन करवाएगा, बिल्कुल ऑब्वियस ही बात है क्योंकि वाटर डायरेक्टली कॉन्टेक्ट के अंदर आ गया है। और ये जो क्लोजिंग एंड ओपनिंग होती है स्ट्रोमेटा की, ये भी डिपेंड कर रही है ट्रांसपिरेशन के लिए, ठीक है। और कैनोपी स्ट्रक्चर वाटर, हमें बोल रहे कैनोपी स्ट्रक्चर जो होती है वो भी ट्रांसपिरेशन को करती है, कि देखिए जहां पर हमें बोल रहे हैं कि ऊपर खूब सारे बड़े बड़े पेड़ होते हैं और नीचे छोटे छोटे उनके नीचे हर्बेशियस प्लांट लगे रहते हैं, बड़े घने जंगल है उनमें, तो उसकी वजह से क्या होता है, उनको लाइट भी पूरी नहीं मिलती है, टेम्परेचर जो है वो भी वहां पर क्या हो जाता है, लो होता है, ह्यूमिड एरिया क्रिएट हो जाता है, उसकी वजह से भी क्या होता है, ट्रांसपिरेशन जो है वो इफेक्ट होता है किसके अंदर, जो कैनोपी वाले एरियाज है वहां पर, ठीक है। तो लोअर हर्बेशियस प्लांट का ट्रांसपिरेशन जो है फिर वो वहां पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसकी रेट कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये कई फैक्टर्स हैं जो उसको इफेक्ट डाल रहे हैं ट्रांसपिरेशन को। चलिए, तो ये सब चीजें तो हमने एसेंट ऑफ जो है हमने पढ़ लिया है। ट्रांसपिरेशन जो है उसके बारे में अगर हम बात करें तो ये कैसे हेल्प कर रहा है हमें, तो देखिए ट्रांसपिरेशन जो है उसकी वजह से ट्रांसपिरेशन पूल जो है वो लगता है, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन होता है और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। अब ये जो एब्जॉर्ब वाटर है ये जब पहुंचा है लीफ तक, तो वहां पे फोटोसिंथेसिस होगा, तो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। आप जानते हैं वाटर की स्प्लिटिंग होती है, जिसकी वजह से जो फोटो एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, देन इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करते हैं फोटो सिस्टम के अंदर, एंड देन क्या होता है, वही ग्लूकोज जो है उसका फॉर्मेशन होता है, तो वो हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस में। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो उसको वाटर की सप्लाई मिलती है, इसके अलावा जो सॉइल में प्रेजेंट मिनरल्स हैं उसकी भी सप्लाई प्लांट के सभी पार्ट्स के अंदर होती है, और लीफ जो है उनमें कूलिंग भी होता है, क्योंकि टेम्परेचर जो है इवोपरेशन जहां से होता है, तो वाटर का अंदर जो है हम ये बोलते हैं टेम्परेचर जो है जिस एरिया से इवोपरेशन होता है वहां पे हम बोलते हैं कि टेम्परेचर लो हो जाता है, तो वो क्या करता है कि वही 10-15% हम ये बोल रहे हैं कि जो है पत्तियां जो होती हैं उनमें कूलिंग इफेक्ट भी डाल रहा है, परसेंट जो है वो हम कहते हैं 10-15 डिग्री सेल्सियस कम कर देता है। मेंटेन द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट बाय द कीपिंग सेल टारगेट, बिल्कुल सेल जो है इस ट्रांसपिरेशन की वजह से टारगेट रहती है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन ऊपर होगा तो जो जो सनलाइट के कॉन्टैक्ट में जो सेल्स आएंगी उनके अंदर वही ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कम होगा, और उसकी वजह से पानी का अंदर मूवमेंट होगा, पानी का जब सेल्स के अंदर मूवमेंट होगा तो देन वो टारगेट हो जाएंगी, तो इस तरीके से फिर वो अपनी एडजेसेंट सेल के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर को कम कर देगी, फिर उसके अंदर पानी आ जाएगा, फिर वो अपनी वाली जो है दूसरी जो आगे की सेल्स है उनके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर को कम कर देंगी उसका पानी अपने पास में लेकर, तो इस तरीके से क्या होता है वो सेल की टारगेटिटी जो है उसको भी मेंटेन रखने का काम करती है, और ये प्रोसेस जो है पूरा हम बोलते चलता भी रहता है, जिसकी वजह से मूवमेंट होता है। जाइलम टू आउटर लेयर जो है वहां पर मूवमेंट होता है किसका, वाटर का, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्ट्रोमेटा, देखिए स्ट्रोमेटा जो होते हैं आपको मालूम है कि उनके अंदर क्या होती है, गार्ड सेल्स प्रेजेंट होती है, और उसके अलावा हम बोलते हैं सब्सिडरी सेल्स प्रेजेंट होती है। गार्ड सेल्स अगर आप देखोगे तो किस तरह की होती है कि अगर जो हम बोलते हैं ना बीन जैसा स्ट्रक्चर इसका होता है, इनर लेयर जो होती है वो थोड़ी सी थिक होती है और जबकि आउटर जो होती है वो थिन होती है, ठीक है। और इनके अंदर रेडियल यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर माइक्रोफाइब्रिल्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, ये रेडियल इसलिए होते हैं ताकि इनकी वजह से वो टारगेटेड होने की वजह से ये फूलती हैं और सिकुड़ती हैं, जिसकी वजह से ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है स्ट्रोमेटा की, ठीक है। अब देखिए अगर ये गार्ड सेल्स फुली टारगेट है, फुली टारगेट होंगे तो क्या होगा, फुली टारगेट होने की वजह से स्ट्रोमेटा जो है ये जो है वो ये फूल जाएंगे, और फूलने की वजह से ये जो रेडियल हम बोल रहे हैं कि माइक्रोफाइब्रिल्स है ये क्या करेंगे, अपनी इनर जो है जो वॉल है उसको खींच लेंगे, उसकी वजह से स्ट्रोमेटा ओपन हो जाएंगे। एंड जब क्या होते हैं कि वो ये फ्लैसिड सेल्स होती हैं गार्ड सेल्स, तो उस वजह से क्या हो जाती हैं ये जो है रेडियल जो है आपके माइक्रोफाइब्रिल्स ये भी क्या करेंगे उनको
हम बोल रहे हैं कि रिलैक्स हो जाएंगे. तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, तो आपको पता चल गया कि ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो होती है स्टोमेटा की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसपिरेशन के केस में, क्योंकि अगर स्टोमेटा ओपन रहेंगे तो इस केस में क्या होगा, ट्रांसपिरेशन जो है वो ज्यादा होगा, अगर ये क्लोज रहेंगे तो ट्रांसपिरेशन जो है वो कम होगा. ठीक है, तो ये हो गया आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, फ्लो ऑफ सोर्स टू सिंक. देखिए, अगर हम लोगों ने वाटर के ट्रांसपोर्ट की बात की तो वो रूट से लीव्स में हुआ, लेकिन अगर हम बात करेंगे फ्लोएम शुगर की, क्योंकि आप जानते हैं कि ये लीफ है और लीफ के अंदर जो है वो होता है फोटोसिंथेसिस, जिसकी वजह से शुगर का जो है उसका फॉर्मेशन होता है. ठीक है, इसके बाद में हम ये बोल रहे हैं सिंक. सिंक हम उस एरिया को बोलते, तो ये कौन सा एरिया जहां पे शुगर बन रही है, इसको हम बोल देंगे सोर्स. ठीक है, जहां पर फोटोसिंथेसिस हुआ जिसकी वजह से शुगर बनी, और शुगर जो है वो हमें बोले कि स्टार्च के फॉर्म में फूड जो होता है प्लांट के अंदर स्टोर रहता है, तो यहाँ पे स्टार्च है. ठीक है, सिंक एरिया हम उसको बोल रहे हैं स्टोरेज पार्ट जहां पर फूड आके इकट्ठा होगा. तो मान लीजिए ये रूट पोर्शन है, ये सिंक एरिया है जहां पर फूड जो है वो क्या होना है, स्टोर होना है. ठीक है, तो फ्लोएम के अंदर फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, हम ये बोल रहे हैं सोर्स टू सिंक में, यहां पर ये ट्रांसपोर्टेशन होगा. अब देखिए, जाइलम जहां पर वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कर रही है, वहीं फ्लोएम जो होती है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करती है, जबकि ये मूवमेंट जो होता है ये बाई डायरेक्शनल होता है, जबकि वाटर जो होता है उसका डायरेक्शन, उसका मूवमेंट हमेशा यूनि डायरेक्शनल होता है. इस चीज को आप देखिए. तो देखिए, फ्लोएम का जो ट्रांसपोर्टेशन है इसके बारे में हमें बताया था अर्नेस्ट ने. ठीक है, और ये जर्मन प्लांट फिजियोलॉजिस्ट है, 1930 में हमें एक्सप्लेन किया. और ये हाइपोथेसिस जो है वो एक्सप्लेन करती है किसको, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर. तो शुगर का ट्रांसपोर्टेशन सोर्स टू सिंक, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर इन फ्लोएम, उसको एक्सप्लेन किया. अब ये कैसे हुआ उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. तो जो आपके एनसीईआरटी के अंदर एक डायग्राम है, वहीं से हम इसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे. चलिए, अब देखिए यहां पे आती है प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, उसको समझते हैं कि जो फ्लोएम के अंदर जो शुगर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो, उसको हम बोलते हैं मास फ्लो हाइपोथेसिस, क्यों, एक बल्क में एक साथ में जो है वो मूवमेंट होता है. अब कैसे होगा वो देखिए. देखिए, फ्लोएम के अंदर आपकी जो लीफ एरिया है वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे शुगर जो है उसका फॉर्मेशन होता है. ठीक है, जब ये शुगर फॉर्म हो जाएगी तो यहां पर प्रेजेंट जो फ्लोएम है उसकी कंपेनियन सेल्स जो है वो जो नई बनी शुगर है यानी स्टार्च है उसको क्या करेगी, अपने अंदर इकट्ठा करेगी. अब ये इकट्ठा जो अपने अंदर कर रही है वो किस रीजन से कर रही है, देखिए होता क्या है कि यहाँ पे क्योंकि बल्क में फोटोसिंथेसिस हो रहा है बहुत ज्यादा, सोल्यूट जो है बहुत ज्यादा है, सोल्यूट बहुत ज्यादा बन गया. तो जब ये बहुत ज्यादा बन गया तो ये क्या होता है, फ्लोएम की जो कंपेनियन सेल्स होती है वो उसको क्या करती है, सीवी ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर देती है. जब ये सीवी ट्यूब के अंदर ट्रांसफर होता है तो होता है क्या, सोल्यूट की कंसेंट्रेशन बढ़ गई. सोल्यूट की कंसेंट्रेशन बढ़ी तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो भी क्या हो गया, बढ़ गया. जब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा तो इसकी वजह से क्या होगा, वाटर जो है वो जाइलम से फ्लोएम के अंदर आ जाएगा. जब वाटर जाइलम से फ्लोएम के अंदर आ जाएगा तो नाउ अब क्या हो जाएगा, जो सीवी ट्यूब्स होती है वहां पर वाटर है. ठीक है, और उसी की उसी के साथ साथ में जो उसके अंदर प्रेजेंट स्टार्च है जो नया फोटोसिंथेसिस होने से बना है वो भी वहां पे प्रेजेंट है. कहां पे, सीवी ट्यूब्स के अंदर. वाटर की एंट्री की वजह से टर्गर प्रेशर जो है सीवी ट्यूब्स के अंदर क्या हो जाएगा, पत्तियों की सीवी ट्यूब्स के बारे में बात कर रही हूं, वहां पे टर्गर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. ठीक है, तो टर्गर प्रेशर वहां पे बढ़ा, बट वहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर अब क्या हो गया, हम ये बोल रहे हैं कि वाटर अंदर एंटर किया तो उसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर वहां पे क्या हो गया, कम हो गया. पानी जो है वो सारा का सारा भी कहां आ गया, सीवी ट्यूब्स के अंदर आ गया. ठीक है, फिर ये जितना भी हम बोल रहे हैं कि शुगर सॉल्यूशन है ये अपने इस टर्गर प्रेशर की वजह से जो यहां पर क्रिएट हो रहा है ना, उसकी शुगर की क्वांटिटी बढ़ रही है, उसके साथ में वाटर भी अंदर आ गया, उसकी वजह से जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है उस प्रेशर की वजह से, टर्गर प्रेशर की वजह से क्या होता है कि ये जो फ्लोएम की हम बोल रहे हैं फ्लोएम के अंदर स्टार्च जो है, शुगर जो है उसका मूवमेंट होता है. ठीक है, अब ये मूवमेंट जो है ये हम ये बोल रहे हैं बाई डायरेक्शनल है, किधर भी हो सकता है, बट हम मान लिया कि ये रूट है और रूट को हम ये बोले कि वो सिंक एरिया है जहां पर ये शुगर जानी है. तो बिल्कुल इसी प्रेशर की वजह से क्या हो जाएगा, ये वाटर के साथ में आकर आपकी हम बोल रहे हैं कि रूट एरिया के अंदर जो है वो पहुंच जाएगा, जितना भी फूड है जो बना है. अब सिंक है, हम इसी को सिंक बोल रहे हैं. अब यहां पे क्या होगा, शुगर जो है वो सीवी ट्यूब से बाहर निकलेगी. ठीक है, अब याद रखिए यहां पे, जब यहां पे लीव के अंदर हमने बोला कि यहां पर क्लोरो जो मेसोफिल सेल्स है वहां पे शुगर बनी. ठीक है, वो शुगर फ्लोएम के अंदर कैसे गई, तो याद रखिए यहां पे ये एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होता है. सोल्यूट जो है, क्योंकि वो सोल्यूट जो शुगर है ये अपनी हायर कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव कर रही है, दैट्स राइट, वो ठीक है, बट यहां पर वो एटीपी को यूज करती है, एक्टिव प्रोसेस करती है जिसके थ्रू जो है
मीजोफिल सेल से सारी की सारी शुगर जो है वो किसमें आ जाती है, कंपेनियन सेल्स की हेल्प से सीवी ट्यूब्स के अंदर आ जाती है, ठीक है। सीवी ट्यूब्स जो है उनके ऊपर परफोरेटेड प्लेट होती है, इस वजह से वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो वो एक हम बोलते हैं फ्लो क्रिएट कर देती है, मास फ्लो। और वो भी क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर वाटर की कंसंट्रेशन सीवी ट्यूब में बढ़ी, टर्गर प्रेशर बढ़ा, जिसकी वजह से जो प्रेशर क्रिएट हुआ उसकी वजह से वो टीवी हम बोले सीवी ट्यूब के अंदर एक साथ जो है शुगर जो है वो मूव करी किधर, आगे की तरफ। आगे की तरफ मूव करने का मतलब ये हो गया कि वो सिंक एरिया की तरफ मूव की। अब जब वो रूट में आई तो यहां पर क्या हुआ, अगेन जो शुगर है जैसे वो स्टोर अपने सिंक एरिया में आती है, देन वो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन किया और वो वापस, क्योंकि रूट एरिया में वो आया है तो वो अपनी हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, यानी रूट एरिया के अंदर लो कंसंट्रेशन है तो वहां एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू वो सारा का सारा जो है आपकी बोल रहे हैं कि जो सीवी ट्यूब्स होती हैं वो क्या करती हैं, अपने शुगर को बाहर की तरफ रूट के अंदर हम ये बोल रहे हैं कि स्टोरेज पार्ट के अंदर हम ये बोल रहे हैं कि उसको वो बाहर आ जाता है, सीवी ट्यूब्स को छोड़ देता है। जब सीवी ट्यूब्स को वो छोड़ देगा तो होगा क्या, वहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, हमें अगर बात करें तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि सोल्यूट कम हो गया। सोल्यूट जो जितना बढ़ता है ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही बढ़ता है, ठीक है। तो सोल्यूट कम हुआ तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम हो गया। ऑस्मोटिक प्रेशर कम हुआ तो वो पानी जो है वो हम बोल रहे हैं कि सीवी ट्यूब्स को छोड़कर वापस कहाँ चला गया, जाइलम पार्ट के अंदर चला गया। तो इस तरीके से क्या होता है, फ्लोएम का जो है, फ्लोएम के थ्रू स्टार्च जो है उसका मूवमेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं मास फ्लो हाइपोथेसिस, ठीक है। इस तरीके से वो अपने सोर्स टू सिंक जो है मूव करता है। तो यहाँ पे दो चीजें याद रखिए, मीजोफिल से सीवी ट्यूब्स में कैसे आया, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, सीवी ट्यूब से फिर यहां पर प्रेजेंट जो आपकी हम बोल रहे हैं कि स्टोरेज पार्ट है वहां पर कैसे गया, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। यहां पर जो टर्गर प्रेशर क्रिएट हुआ वो कैसे हुआ, क्योंकि वाटर जो है वो अंदर की तरफ सीवी ट्यूब्स के अंदर एंटर किया, क्योंकि वहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर हाई था, ठीक है। तो अपने हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से पानी अंदर आ गया और यहां पर पानी जो है वो बाहर निकला, क्यों, जाइलम में क्यों गया, क्योंकि यहाँ पे सोल्यूट ने जब जगह छोड़ी अपने मतलब कि सीवी ट्यूब्स के अंदर से, वो जब वहां से बाहर निकल गया तो सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होने के साथ ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो भी कम हुआ, जब वो कम हुआ तो पानी भी किधर चला गया, अपनी लो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर कंसंट्रेशन में, क्योंकि रूट जो होती है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर रही होती है, ठीक है ना। तो उस डायरेक्शन में उसका पानी का क्या हो जाता है, मूवमेंट हो जाता है, यानी जाइलम एंटर कर जाती है, सॉरी। तो रूट की जाइलम के अंदर सीवी ट्यूब से वो पानी वापस से जाइलम के अंदर आ जाता है, इस तरीके से वो फ्लो में एक साथ मूव करती है, ठीक है। तो ये हो गया प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि फ्लोएम ही जो है वो क्या करती है, मूवमेंट करवाती है फूड का। वो कैसे पता चला कि देखिए, अगर ये स्टेम पार्ट है, अगर स्टेम के अंदर हम जानते हैं कि कैसे होता है कि बाहर की तरफ हम ये बोल रहे हैं कि जो है फ्लोएम है और अंदर की तरफ जाइलम है, तो अगर मैं यहाँ पे एक जगह कट लगा दूँ जिसके अंदर से फ्लोएम पूरा निकल जाए, ठीक है, तो जब ये फ्लोएम पूरा यहाँ से निकल गया तो जाइलम तो यहाँ पे है, स्टिल है, ठीक है, बट बाहर की तरफ प्रेजेंट जो फ्लोएम है वो नहीं है। अब देखिए, फूड जो है वो अपने वही अपने सोर्स एरिया से मूव करना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वो जहां पर हमने कट कर दिया है, फ्लोएम हटा दिया, वहां पे जब वो आया फूड, तो यहीं पे क्या हो जाता है, वो स्टोर हो जाता है, तो जिसकी वजह से हमें कुछ उभार और हमें स्टोरेज जो है वो दिखाई देने लगता है शुगर का, ठीक है। तो ये जब हमें जहां पे हम लोगों ने कट लगाया उसके ऊपर जो हमें ये स्टोरेज दिखाई देने लग जाता है, तो हमें समझ में आ गया क्या, कि अगर जाइलम के थ्रू होता तो ये क्या होता है, ये फूड जो है सीधा नीचे चला जाता, लेकिन ये फूड यहीं आकर इकट्ठा हो गया, क्यों, क्योंकि फ्लोएम को आगे हमने काट के निकाल दिया, यानी फ्लोएम ही है वो जो क्या करता है, आपके फूड जो है उसका ट्रांसपोर्टेशन करवाता है, ट्रांसलोकेशन जो है वो उसकी थ्रू होता है। अब देखिए, अगर हम बात करेंगे मोनोकोट की, तो मोनोकोट के अंदर क्या होते हैं, वेस्कुलर बंडल बिखरे रहते हैं, इस वजह से वहां पे ये जो गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट है ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डायकॉट के अंदर एक रिंग के अंदर अरेंज रहते हैं वेस्कुलर बंडल, इस वजह से फ्लोएम को वहां से हम बोलते हैं गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू हटाना आसान है। तो डायकॉट में किया जाता है, मोनोकॉट में नहीं किया जाता ये एक्सपेरिमेंट। दूसरा, इसके जस्ट ऊपर का जो एरिया है वो इफेक्ट होता है, क्योंकि वहां पर स्टोरेज हो जाता है किसका, फूड का, ठीक है। तो गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया, ये जानने के लिए कि फूड यानी कि जो स्टार्च है जो बना है उसका ट्रांसलोकेशन कौन से वेस्कुलर हम बोल रहे टिश्यू की वजह से होता है, तो उसका ट्रांसलोकेशन होता है फ्लोएम की वजह से, ना कि जाइलम की वजह से, ठीक है। तो ये क्लियर कट पिक्चर हमारे दिमाग में क्रिएट हो चुकी है कि कैसे वॉटर जो है वो रूट से हम बोलते हैं अपर पार्ट की तरफ प्लांट के अंदर, और फूड जो है वो अपने हम बोलते हैं कि लीव एरिया से स्टोरेज पार्ट की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा चैप्टर, और इसके अंदर प्रेजेंट जो भी हम लोगों ने हाइपोथेसिस या प्रेशर वगैरह के बारे में बात की है,
तो अब आपके लिए आते हैं हमारे फॉलो अप क्वेश्चंस, जिनके आंसर आपको मुझे करने हैं, और बहुत ही आसान है, एनसीईआरटी बेस्ड है। रीजन एक ही है इनको रखने का, कि आप लोग फोकस करें नीट 2020 पे राइट डायरेक्शन में। चलिए, डायग्रामेटिक क्वेश्चन भी दिया है यहां पर हमने, रीजन है वही आपको बताने का कि एनसीईआरटी के डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। पढ़ते रहिए, मोस्ट वांटेड सीरीज को फॉलो कीजिए, और देखिए आप कैसे 45 डेज में अपना पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।